तो फाइनली गाइस आ चुका है ओम पर्वत। क्या मस्त वाइब आ रही है यार, अलग ही फीलिंग आ रही है, अलग ही आ रही है ना। और थैंक्स टू माय थार यहां तक इतना साथ देने के लिए। यहां हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बज रहे, फिलहाल मैं उठ गया और आज हम जाएंगे ओम पर्वत। आज मैं सबसे पहले मैं उठ गया और देखो थार के ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो उठाता हूँ सबको, अभी सबसे पहले मैं उठ गया आज। तो हमारे टीम मेंबर सारे इसमें सोए हैं तो सबको उठाते हैं चलो। लेकिन भाई जो ठंड हो रही है ना, मतलब माइनस में टेम्परेचर है, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल ठंड हो रही है। मैं उठा व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, बाहर आ गया थार के ऊपर। गुड मॉर्निंग भाई भैया, उठ गए सब उठ गए। गुड मॉर्निंग धीरू भाई, गुड मॉर्निंग। तो भी गाइस सबको उठा दिया है मैंने और मैं भी रेडी हो गया हूँ। तो अभी सभी रेडी हो रहे हैं, इसके बाद फिर चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं ओम पर्वत के लिए मस्त अपना। गाइस आज हमारा 5वां दिन है और लास्ट डे है यहाँ का, आज हम यहाँ से निकल लेंगे। गाइस हमारे पास यहाँ पे बाथरूम तो है नहीं, शीशा वीशा भी नहीं है अपने बाल बाल बनाने के लिए। तो देखो हम किसको यूज कर रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ पे शीशा भी है और इसके अंदर सब कुछ सामान है देखो अपना। और गाइस हमारी थार का पेट्रोल भी खत्म हो चुका है तो पेट्रोल लेंगे यहाँ से। धीरू भाई फोन देना, कॉल करना है मुझे। एक मिनट, ये इसमें 14249 करना। तो गाइस यहाँ पे नेटवर्क तो है नहीं, यहाँ सिर्फ नेपाल का नंबर चलता है। तो ये नेपाल का नंबर है धीरू भाई का, इससे कॉल करता हूँ घर पे। हाँ पापा जी प्रणाम। हाँ बढ़िया, आप ठीक हो? और घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। तो गाइस घर पे बात हो चुकी है, मतलब इस फोन की वजह से देखो नेट नहीं चला पा रहा, लेकिन घर वालों से बात कर पा रहा हूँ मैं इस फोन की वजह से। अब वो भी करेंगे अपने घर फोन, सभी करके इस फोन को यूज कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट आ गया, आलू और पराठा, चलो खाते हैं। चलो भाई खाना पीना भी हो चुका है, अब थार में तेल डालते हैं। 5 दिन में थार में 10,000 का तेल डलवा लिया, अभी हमको वापस भी जाना है तो अराउंड 25,000 का तेल लगा हमारा इस ट्रिप पे। अरे खींच लिया मुंह से, ये देखो जुगाड़, ये केन यहाँ पे रख रखा है, इसमें पाइप डाल रखी है, मुंह से खींचा पेट्रोल। तो भी गाइस हमारी पूरी टीम रेडी है जाने के लिए, सभी के सभी ओम पर्वत के लिए। तो गाइस आज भी गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, मतलब 5 दिन से गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ पूरी ट्रिप पे। तो गाइस ये देखो मेरे राइट साइड में कितना प्यारा व्यू आ रहा है हिमालयस का। इसी रोड में हमको चलते जाना है ओम पर्वत के लिए। साहिल पहली बार आया है, साहिल एक्साइटेड ओम पर्वत के लिए? बहुत ज्यादा। कहीं भी आपको दूर दूर तक कोई पेड़ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे देखो, और ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। गाइस ये हमारे उत्तराखंड के लद्दाख जैसे पहाड़। तो गाइस बस आने ही वाला है, बस थोड़ी सी और आगे। और देखो हम कहाँ चल रहे हैं भाई, गुजम से आ रहे हैं ना पहले से ही, अभी से गुजम से आ रहे हैं। देखो आज तो मौसम भी साफ है, आज बादल ही नहीं है, देखो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आज हमको। हमारे प्यारे उत्तराखंड में भी ऐसी ऐसी जगह हैं देख लो, ऊपर से ओम पर्वत है भाई, इसीलिए देवभूमि बोलते हैं ना। पुल आ रहे हैं, बहुत सारे पुल आ रहे हैं रास्ते में। आज तो रोड में ही बर्फ है, देखो रोड में ही बर्फ है यहाँ पे, ऐसी जगह पे थार चलाने को मिल जाए। तो फाइनली गाइस आ चुका है ओम पर्वत, देखो भाई कितना नेक्स्ट लेवल लग रहा है, मतलब लास्ट टाइम भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा था, अब तो पूरी बर्फ है वहाँ पे भाई, कितना मस्त लग रहा है देखो। हरे हरे भव हे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। तो फाइनली रुक गया, थार यहाँ खड़ी कर दिया। गाइज हम पहले भी यहाँ पे आए थे कैरावैन में, पहले इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, पहले बर्फ भी नहीं थी भाई, अब तो देखो इतनी बर्फ है, मतलब पूरी रोड में बर्फ है, पूरी इधर इन पहाड़ों में बर्फ नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बर्फ थी बस। क्या मस्त वाइब आ रही है यार, अलग ही फीलिंग आ रही है, अलग ही आ रही है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा है भाई, मतलब ये बना कैसे हुआ यार, बना कैसे हुआ यार, हिमालयस के ऊपर ओम बना हुआ यार, मतलब। और थैंक्स टू माई थार यहाँ तक इतना साथ देने के लिए, यहाँ तक हमको लाने के लिए, अगर थार नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब थार ने बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजीली चढ़ रही थी, मतलब मैंने 4x4 भी लगाया कहीं पे। भाई लाइफ में कुछ भी मिल जाए लेकिन यहाँ आके जो फील होता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता। गाइज मैं 2 बार यहाँ पे आया हूँ और दोनों बार मुझे डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है, पहले मुझे ग्रीनरी दिखी थी, अब मुझे ग्रीनरी नहीं दिखी, पहले बर्फ नहीं थी अब बर्फ है पूरी, यहाँ देखो यहाँ भी बर्फ है। और यह है लास्ट रेस्टोरेंट यहाँ का, इससे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, तो ये मैगी वही खाएंगे हम। तो फिलहाल पानी पीते हैं, वो भी गर्म पानी, या तो ठंडा पानी पीने जाएगा ना, तो गर्म पानी लिया हमने। गाइज मेरी तो हालत ख़राब होगी ठंड से, हवा से, आँखों से पानी आ रहा है, मैंने जैकेट भी डाल ली है और सिर पर कैप हो रही है अभी। और अब ओम पर्वत बंद होने वाले, दो तीन दिन में जाने वाले हैं यहाँ से, अब पूरे 4-5 महीने बाद ही खुले होगी, बर्फ गिरने वाले ना, तो पूरी बर्फ से भर जाएगा ये। सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले रहते हैं यहाँ पे भाई, इतनी बर्फ में आर्मी वाले रहते हैं भाई, मतलब दिल से सल्यूट है यार, मतलब एक इज्जत ना बढ़ गई है, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल बढ़ गए हैं। जैसे हम जब हम कुछ चीज़ अपनी आँखों से देखते हैं, जब फील करते हैं, देखते हैं कि भाई रियलिटी क्या है, कि यहाँ पे आर्मी वाले या फिर जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए यार, कैसे रह रहे हैं, कितने अपने अपने फैमिली को छोड़ के, सारी लग्जरी चीज़ों को छोड़ के कैसे रह रहे हैं। गाइस ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है, ओ भाई साहब ये देखो पानी गिरते गिरते जम गया। तो भी गाइस गर्मा गर्म मैगी आ चुकी है, जल्दी खा दे, ठंडी हो जाएगी भाई, ये भी जम जाएगी भाई, भरोसा नहीं ये भी जम सकती है, जल्दी खा लो, ये भी जम जाएगा, जल्दी खा लो। ये तिब्बतन मस्टिफ का बच्चा है, तिब्बतन मस्टिफ उसका बच्चा है, ये सिर्फ ऐसी कोल्ड वेदर में रहते हैं यहाँ पे।
अच्छा बर्फ में रहते हैं? बर्फ में रहते हैं और बहुत अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव लग तो नहीं रहा? नहीं अभी लग नहीं रहा, बहुत छोटा है ये, ज्यादा दिन का नहीं है। और देखो यहाँ पे कहीं भी गंदगी नहीं है बिल्कुल भी, एक प्लास्टिक की थैली तक नहीं मिलेगी देखो चारों साइड। वो देखो वो लास्ट रेस्टोरेंट है, वहाँ भी कहीं नहीं, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो साफ सुथरा सा देख के ना अच्छा सा लगता है। देखो पूरा जूम करके देखते हैं कैसा है यार ये बना कैसे, पता नहीं किसने जानबूझ के बनाया है, भगवान शिव जी ने बनाया है, प्रॉपर चट्टाने बनी हुई है ओम के लिए देखो। तो फाइनली गाइस हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, आदि कैलाश की भी ओम पर्वत की भी। अब हम जाएंगे आज वापस यहाँ से धारचूला रुकेंगे। तो अभी सभी आ चुके हैं, चलते हैं गाइस सामने। देखो ये तो खोल रहे हैं अपनी थार को, इतनी ठंड में खोल रहे हैं भाई। ये देखो भाई थार खोल दी है, ऊपर खड़े हो गए हैं मस्त ठंड में। अच्छा साहिल वीडियो बना रहा, देखो साहिल वीडियो बना रहे। तो भी गाइस हम पहुंच गए गुंजी, ये जो नीचे दिख रहा है ना ये गुंजी है। तो अब यहाँ से धीरू भाई की फॉर्चुनर लेते हैं और चलते हैं सीधा यहाँ से धारचूला। तो आज रात को हम रुकेंगे धीरू भाई घर पे, ठीक है? ओके, फिर कल निकलेंगे वहाँ से। गुंजी से निकल गए हम धारचूला के लिए और देखो साहिल बीच में बैठ गया पहले की तरह और बोई भी वहाँ पे। तो हाँ तो अब हम तीन जाएंगे, बहुत खतरनाक रास्ते हैं। काफी लेट हो गए तो यहीं रुकेंगे, आज यहीं रुकेंगे हम। ये खड़ी अपनी थार, ये दूसरी थार और ये फॉर्चुनर। तो ये रूम मिला है, आज रात को हम सोएंगे यहाँ पे। तो फिलहाल खाना खाते हैं, फार्म हाउस में खाना खाएंगे, रोटी और सब्जी बनी है मस्त खाते हैं। और अब हमको यहाँ पे नेटवर्क भी मिल जाएंगे, यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे ना तो नेटवर्क मिल जाएंगे फाइनली। तीन दिन के बाद नेटवर्क मिलेंगे, देखूंगा यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, सब जगह क्या चल रहा है। तो हाँ चलो, आज के व्लॉग में आपको दिखाया ओम पर्वत और लास्ट व्लॉग में आपको आदि कैलाश दिखाया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हाँ कल हम जाएंगे हल्द्वानी वापस यहाँ से, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे 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 रही रुको।